फाइनल डे है था मतलब चल रहा है अभी भी पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतने वाला है. बस 5-10 पॉइंट का बस अंतर है पहले और सेकंड और तीसरे टीम के बीच में. और अभी तक जो मुंबई वाली टीम थी वो आगे थी आगे है, लेकिन पिछले कुछ 15 मिनट में सेकंड और थर्ड पोजीशन में बहुत फ़र्क हुआ है. पहले अहमदाबाद की टीम आगे थी, अब जयपुर जूल्स आगे है. तो समझ में नहीं आ रहा है कि दो दो मिनट में क्या हो रहा है. हर हैंड के साथ चीज़ें बदल रही है. और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है राजकुंद्रा जी को बोलने का कि जो पोकर लीग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बहुत कमाल सोच के साथ आपने ये शुरुआत की है. तो वंडरफुल एंड वेल डन, क्योंकि पोकर इज़ अ स्पोर्ट और बहुत लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिबिलिटीज टू प्ले दिस गेम एंड आई इंजॉय इट. मैं भी पोकर खेलती हूँ लेकिन इन लोगों के साथ इसके मतलब इनके लेवल पर नहीं खेलती मैं. कुछ बोलना है आपको? यार जब बीवी बोल रही होती है तो पति कहाँ बोलता है. राइट. फिर भी आई थिंक ये जो फॉर्मेट है ये पोकर का T20 बोला जाता है. इट्स अ फास्ट पेस गेम एंड पहली बार ऐसे हुआ है कि स्पोर्ट्स पोकर जैसी चीज़ इंडिया में आई है. 63 कंट्रीज में है और इंडिया भी 64th कंट्री है. जो स्टेट आज जीतेगा ये ट्रॉफी वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. ये जर्जी के साथ, ये जर्जी पहन के टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा UK के अंदर 4th, 5th, 6th दिसंबर को इस साल. सो खुशी की बात है कि इस देश में कम से कम 2 मिलियन पोकर प्लेयर हैं और एक इंडिया की टीम जा रही है पहली बार. और पोकर जो इंडिया की टीम है, इंडिया फाइनली मैप पे आ गया है, पोकर वर्ल्ड मैप में आ गया है. तो वन टीम विल गो एंड रिप्रेजेंट अस एंड फिंगर्स क्रॉस्ड शायद हम वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं क्या मालूम. बट इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. पोकर इज़ अ स्पोर्ट, अभी एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे स्पोर्ट्स पोकर. ये पोकर का जो फॉर्मेट है इट्स अ गेम ऑफ स्किल, दैट्स ऑल. किस तरह का सीजन गया अब तक का? बहुत बढ़िया गया. ये बेसिकली पोकर में क्या होता है कि 200 हाथ खेले जाते हैं, 100 हाथ एक दिन में, 100 हाथ दूसरे दिन में. और जिस टीम कम्बाइंड स्कोर, टीम का प्लेयर का कम्बाइंड स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा वो कप लेके जाती है और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. आप किस टीम को सपोर्ट? ये तो पूरे लीग को रिप्रेजेंट कर रही है. मेरा पति जो है इस लीग को ओन करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे खुशी है जो भी जीतेगा वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. और मुझे खुशी है उस टीम के लिए जो जीतेगा. तो आई जस्ट थिंक दैट ये जो सोच के साथ उतरे हैं कि पोकर को थोड़ा सा और श्री मिलना चाहिए और जिनको खेलना पसंद है उनके लिए एक फनी होता है. बट आपको शायद मालूम नहीं होगा जो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के और अभी आगे जाके इंडिया भी बन सकता है, साल के मतलब 100-100 करोड़ कमाते हैं पोकर खेल के. 100-100 करोड़ कमाते हैं पोकर खेल के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं पोकर के. मैं भी खेलना शुरू कर दूँ. पोकर इज अ ग्रेट स्पोर्ट. पोकर इज अ ग्रेट स्पोर्ट एंड ग्रेट पोटेंशियल. कैमरामैन अभी छोड़ने वाला था, वो जाने वाला था अभी पोकर सीखने. सो पोकर सीखो, पोकर खेलो, बहुत बढ़िया गेम है, ऑनलाइन अवेलेबल है. और मैच IPL जो हमने क्रिएट किया है ये बहुत ही यूनिक फॉर्मेट है और इंडिया के कोने कोने में हमने ये ऐप को प्रमोट किया हुआ है एंड सम द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया आज 70 से ऊपर प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं. सीजन 2 कब तक आने के चांसेस हैं? सीजन 2 बहुत जल्दी आएगा अभी और उम्मीद है कि एक्चुअली एक साल में हम दो सीजन लेके आएंगे. थैंक यू. ओके मैम, देखा जाए तो फिर पद्मावती का भी रिलीजिंग भी अरे ये ना आएगा अभी. ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है अभी, डायरेक्टली आएगा फिर अभी. नहीं मुझे यू नो आज सुबह से मैं ये मेरा तीसरा इवेंट है वो बहुत ही टेंस है ऑलरेडी. तो हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. मैम इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया के लिए खुशखबरी आई है, मिस वर्ल्ड इंडिया से बन गई. जी बिल्कुल, अभी 17 साल मिस इंडिया वन मिस वर्ल्ड. या मानुषी ना उसका नाम था, है मानुषी. क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत खूबसूरत है और हाँ बहुत खुशी है. बहुत समय के बाद वापस 17 साल के बाद इंडिया में बहुत ब्यूटी है देखो. हाँ थैंक यू राज. बट